मुझे जानते हो कितने लोग, इन लोग नहीं जानते हो, मुझे देखा नहीं है। और यहाँ मेरा अपना पैतृक का घर है रानी हट्टी, सुना है ना, तो मैं निकलती हूँ। तो रानी हट्टी में मेरा घर है और मैं ही का हूँ, इसी पंचायत का हूँ। और अभी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, सीरियलों में काम कर रहा हूँ, हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ। और बॉलीवुड में जब मैं गया था तो लोग बहुत कुछ कहते थे कि कैसे होगा, कैसे कर पाओगे। और आप बिल्कुल आप ही के उम्र के बहुत छोटे छोटे, हम भी थे आप ही लोग की तरह छोटे थे, लेकिन सपने बड़े थे। और कहते हैं कि मेहनत है जो सपनों को पूरा करती है, तो फिर धीरे धीरे मेहनत हुआ और अभिनय का साथ हुआ और फिर फिल्में मिलनी शुरू हुई और फिर काम करना शुरू किया। आज एक सफल अभिनेता के रूप में लोग मुझे जानते हैं और काम कर रहा हूँ, और बहुत सारा काम करना है अपने गांव का, जिला का और देश का, कह सकते कि नाम रोशन करना है। तो आज यहाँ आने का, और विक्रम भाई, सुनील भाई लोग हैं, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का पढ़ाया हुआ, इसी में से कौन यहाँ का कोई भविष्य होगा, कौन यहाँ का इस पंचायत का नाम रोशन करेगा, ये हम लोगों को भी नहीं पता है। कौन हम लोगों से बहुत आगे चला जाएगा ये इनको भी नहीं पता है। कौन इस गांव का भाग्य बदल देगा ये हम लोगों को भी नहीं पता। और इसी में से कोई होंगे, छोटे छोटे बच्चों में से कोई होंगे। तो कल मेरा जन्मदिन था और किसी कारणवश हम गांव में ही थे, तो अलग अलग जगह बच्चों के साथ हमने जन्मदिन मनाया। और फिर यहाँ अलग अलग जगह हम लोग भी इस तरीके से छोटा छोटा कुछ भी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इन बच्चों में अगर कोई अभिनय सीखना चाहते हैं, छोटे बच्चों में कोई अभिनय या कला सीखना चाहते हैं, तो हम पूरा उनका भरपूर सहयोग करेंगे। और पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत हो, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय से मैं पास आउट हूँ और पूर्व में छात्र नेता भी रहा हूँ, तो छात्रों की लड़ाई मैंने लड़ी है और छात्रों की लड़ाई के लिए जेल भी गया हूँ। तो शिक्षा से मेरा हमेशा जुड़ाव रहा है और हमको पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको इस ज़मीन से उठ के महल तक पहुँचना है, पैदल से आपको गाड़ी तक पहुंचना है, और बिना पद के आपको प्रतिष्ठा और किसी बड़े पोस्ट पे पहुंचना है, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो उसका सबसे बड़ा एक हथियार है, वो है शिक्षा। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपसे जो आपके ऊपर क्लास के लोग हैं, आपसे वही काम करवाएंगे जो आप बरसों से करते आ रहे हैं। तो बस कलम का साथ पकड़िए और खूब मन से पढ़िए जितना हो सके, और जितने भी हम जो भी अगल बगल फैमिली हो, बच्चों को खूब पढ़ाएं, पढ़ाने में कोई कोताही ना करे, रोटी आधा खा ले पर शिक्षा पूरी की पूरी कम से कम दे बच्चों को। बहुत सारा सरकार सहयोग भी कर रही है, बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारा ऐसा सरकारी सहयोग है, बहुत सारा अलग NGO, बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करती है। हमारी भी एक NGO है चौखट नाम से, रजिस्टर्ड हो गई है, आने वाले दिनों में सरकार उसको फंड देगी, तो हम इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करेंगे, इस गांव में भी काम करेंगे और भी अलग अलग जगह। हालांकि मेरा जो संस्था है वो कला पे काम करता है, ये निशांत है, अम्बेडकर है, इन लोगों के साथ नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, उससे कैसे और आगे बदला जा सकता है समाज को। इसी में से कोई फिल्म में चला जाएगा, इसी में से कोई सीरियल्स में चला जाएगा, इसी में से कोई अच्छा लेखक हो जाएगा, तो कोई नहीं जानता कौन कैसे कब क्या हो जाए। तो आज बस आप लोग के साथ हम आए हैं, और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, पढ़ाई में जहाँ तक ज़रूरत पड़े, तो हमारे संस्था भी आपको मदद करेगी और हम तो खुद रहेंगे ही। और कलाकार अगर कोई बनना चाहता है, कोई अच्छा गाता हो, कोई बजाता हो, कुछ छोटे छोटे बहुत सारे लोग होंगे, तो अगर वो होगा कि भाई कलाकार हमको बनना है, तो सहयोग अगर हो तो पूरी तरीके से हम सहयोग करेंगे और हमारी संस्था सहयोग करेंगे। अब हम चाहेंगे कि सुनने के लिए कुछ हर क्षेत्र में सभी बोले हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। हमें पहचानते हैं, कौन कौन
मेरा नाम अमृतकर कुमार हुआ, भैया का जन्मदिन था, इसी बहाने आप लोग से मिल लिए। इनका मन हो रहा था कि बच्चों से मिले, कुछ बातें बोले। आपको एक सबको टोपी मिलेगी पढ़ने के लिए, पढ़िए और आगे जब जहाँ तक होगी भैया मदद करेंगे। बस जानते हैं, मेरा नाम इजाज हुआ और सिंगर है और राइटर भी है। और भैया के जन्मदिन के लिए हम आपके लिए टोपी पार्टी के लिए आए हैं और आप लोग सुन रहे हैं और कुछ करना चाहते हो तो भैया द्वारा आप लोग को दिया जाएगा। गाना कविता जो भी, हाँ जो भी है, कहानी पोयम वगैरह भी याद है तो कुछ भी कुछ भी। रानी मेरे पापा राजा, फल खाए ताजा, चांदी की सीढ़ी सा दरवाजा, उससे निकला मेरे राजा। अरे बहुत अच्छा।